अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज हम बनाने लगे हैं तिल की पट्टी। इसके लिए हमें एक कप तिल चाहिए होंगे और एक कप ही चीनी, ये दोनों बराबर मिकदार में लेने हैं। और थोड़ा सा घी, आप देसी घी पसंद करते हैं या आम घी, कोई भी चलेगा। और ये छोटी इलायची। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिल थोड़े से ब्राउन कर लेंगे। हमने इसको हल्की आंच पे लाइट गोल्डन करना है, बस इसका कलर चेंज करना है इतना कि ये थोड़ा सा फूल जाए और अपना कलर चेंज करना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर ये ज़्यादा डार्क हो गए तो ये तिल कड़वे हो जाएंगे, खाने में वो मज़ा नहीं देंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं और ये थोड़े से फूल भी गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें देसी घी डालेंगे। और इसको गर्म करके इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी को घोल के इसका शीरा बना लेंगे। ये बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, तेज आंच पे नहीं करना, चीनी जल जाएगी। ये इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये हल्की आंच पे बनेगा और ये शीरा 5 से 10 मिनट में तैयार होगा। ये देखिए व्यूअर्स, शीरा तैयार होना शुरू हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये छोटी इलायची डाल देंगे और उसके बाद हम ये अपने भुने हुए तिल डाल देंगे। और इनको इस शीरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम एक ट्रे में ऑयल लगाएंगे। इसमें हम ऑयल लगा देंगे कि जहाँ पे हमने इसको फैलाना है और अच्छे से पूरी ट्रे। अब हम इसको ट्रे में ले जा के फैला देंगे। इतनी देर में आपने इसकी आंच नहीं बंद करनी क्योंकि ये ठंडा होकर जलना शुरू हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमने ये इसको फैला लिया। ये देखें, ये उबल रहा है, अभी भी इतना गर्म है। जितनी मोटी पट्टी बनानी है आप उतना इसको फैला लें, फिर इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। नॉर्मल होगी तो फिर हम इसको काटेंगे, क्योंकि अगर ये सख्त हो गई तो फिर ये हमारे मुताबिक नहीं कटेगी। अब हम इसके थोड़ा नॉर्मल होने का इंतज़ार करते हैं। ये व्यूवर्स, थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है। अब हम इसके कटिंग के निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको ठंडी जगह पे रखेंगे ताकि ये सही से ठंडी हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी ठंडी हो गई है और हमने इसको अलग अलग कर लिया है। ये देखें व्यूअर्स, कितनी क्रिस्पी बनी है। अब आपको हमारी ये डिश पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।